नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे निर्भया केस की। निर्भया मामले में लगातार डिले हुआ है और अब जबकि 20 मार्च 2020 को फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है तो दोषी अक्षय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाकर ये बता दिया है कि अब भी उनका इरादा फांसी टालने का है। 20 मार्च 2020 इस तारीख का इस देश के एक बड़ी आबादी को लंबे समय से इंतजार है। ये वो तारीख है जब निर्भया मामले के प्रमुख आरोपियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी की सज़ा होनी है। मामला लंबे समय से टाला जा रहा है, इसलिए इस फांसी पर सारे देश की निगाहें हैं। अब तक जैसा हमने देखा कि अपराधियों ने एक के बाद एक ऐसे पैंतरे अजमाए जिनके चलते ये फांसी टलती रही। अब जबकि सब कुछ निर्धारित हो चुका है और कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर चुकी है, एक बार फिर इस फांसी पर अड़ंगा डालने की कोशिश हुई है। इस बार ये प्रयास आरोपियों के वकील एपी सिंह ने नहीं बल्कि दोषी अक्षय की पत्नी पुनीता ने किए हैं। अक्षय कुमार की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है। अक्षय की पत्नी ने कहा है कि मैं अक्षय की विधवा के रूप में अपना जीवन नहीं जी सकती हूं। कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में पुनीता सिंह ने कहा है कि उनके पति को निर्भया के साथ हुए बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अब फांसी दी जानी है। अपने पति को बेगुनाह मानते हुए अक्षय ठाकुर की पत्नी का ये भी कहना है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए। अब चूंकि देश का संविधान न्यायालय के लिहाज से सभी के लिए बराबर है, इसलिए अदालत ने भी इस अर्जी पर ध्यान दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि निर्भया मामले को एक लंबा वक्त गुजर चुका है, जैसा समय समय पर दोषियों के वकील ने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए फांसी में देरी की है। ये भी साफ हो जाता है कि जो कानून आज दोषियों को सजा दे रहा है उसी में उनके बचाव के प्रावधान भी हैं जिनका दोषी और उनके वकील बखूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोषियों की जगह फांसी का तख्ता है और वो वहीं पाए जाए। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि अब मामले में और देरी होती है तो इस देश के एक बहुत बड़ी आबादी का भरोसा न्याय प्रणाली से उड़ जाएगा। कह सकते हैं कि अब अदालत के सामने दोहरी चुनौती है, जहां एक तरफ उसे लोगों के भरोसे पर खरा उतरना है, वहीं दूसरी तरफ उसे दोषियों को उनके घिनौने गुनाह की सज़ा भी देनी है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।